हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के सेशन में हम मार्केट कहाँ पे मोमेंटम दे सकता है और हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास रहने वाले फोर इंट्राडे स्टॉक्स के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो मेक श्योर करेगा आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो कहीं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस साथ में। तो आज के सेशन में हम लोग कह सकते हैं कंसोलिडेशन में मॉर्निंग के सेशन में हद से ज़्यादा देखने के लिए मिली थी, स्पेशली बैंक निफ्टी में तो कुछ ही मोमेंटम नहीं था। निफ्टी ने एज सच कुछ मोमेंटम हमें दिखाया था अप्स एंड डाउन साइड का, पर बहुत अच्छा नहीं, जैसे हम लोग कह सकते हैं। हम लोगों ने बात की थी इस वाई लेवल के नीचे निकलेगा तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा, साथ साथ में हमारे यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जिसको हम लोगों ने कल के दिन पे वॉच आउट करा था, उसका ब्रेक डाउन दिखाया, उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट लेवल का दिखाया जिसके बाद हमें जाना था शॉर्ट साइड के लिए, और एक हमें बेहतरीन मोमेंटम कैप्चर हुआ नेक्स्ट लेवल तक का, हमें सीधा टारगेट देखने के लिए मिला निफ्टी के अंदर। एक बढ़िया मोमेंटम था हम लोग जिसे आसानी से कैप्चर कर सकते थे। मॉर्निंग के सेशन से हम लोग खाली इंतजार ही करते थे, कुछ अच्छा मोमेंटम हम लोग कैप्चर करने की जगह नहीं मिली थी। मैंने आप लोग उसका था नो ट्रेडिंग जोन, आप लोग इसे मार्क कर सकते हैं, वैसा ही हुआ। एज सच आप लोग देखेंगे मार्केट ने एक्जैक्टली वैसे ही बिहेव करा और हमें एक बेहतरीन मोमेंटम दिखा दिया। फिर वहां से आप लोग देखेंगे एक रिवर्सल दिखाया इंगल्फिंग कैंडल से और हम लोगों को अगेन मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे देखने के लिए मिला। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन को अच्छे से इन्जॉय करा होगा। मैं कल के सेशन की अगर बात करूँ, यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न 5 मिनट की चार्ट पे, सॉरी 15 मिनट की चार्ट पे निफ्टी के अंदर, इसको ये अप्स एंड डाउन के साथ कंटिन्यूसली टेस्ट करता हुआ जा रहा है। तो अभी के लिए अगर निफ्टी जब तक इस चैनल के अंदर है डाउन ट्रेंड में ही रहना, ये तो बात पक्की है। जैसा आप लोग बताए चैनल पैटर्न के अंदर है तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अगर आप कल के सेशन में इसका ब्रेकआउट दिखाता है और अपने स्विंग का भी ब्रेकआउट दिखा देता है, तो 17,770 का ब्रेकआउट दिखा देता है, तो प्रीवियस जो हाई या फिर मैं कहूँ सीधे 17,840 हम लोगों को आसानी से टारगेट एक्सपेक्टेड रह सकता है। दो टारगेट रहेंगे हमारे, प्रीवियस जो हाई पहला टारगेट और 17,840 बन जाएगा हमारा दूसरा और लास्ट टारगेट अप साइड पे, जब ये अपने चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाएगा और साथ साथ में 17,770 वाई लेवल जिसका प्रीवियस स्विंग है उसको भी ब्रेकआउट दिखाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी के अंदर। आई होप गाइस ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई होगी। फ्लैट ओपनिंग की इस समय बात करूँ, बात कर लें डाउन साइड की, अगर यहाँ पे आता है नीचे की साइड तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी ट्रेड पैन नहीं बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने कल के दिन पर डिस्कस करा था। इस वाले जब तक एरिया के ऊपर रहेगा हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेड पैन नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने कोई नहीं बनाया, उसके अंदर मोमेंटम मिला। ऐसे ही हम लोग कल के लिए भी रखने वाले हैं, सेम इस वाई लेवल के अंदर जब तक रहेगा हम लोग कोई ट्रेड पैन नहीं बनाएंगे। जैसे ही इसका ब्रेक डाउन दिखाता है नीचे की साइड, मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही इसका ब्रेक डाउन दिखाता है नीचे की साइड, नीचे आने के बाद अपने प्रीवियस जो लो का 17,650 तो हमें एक मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। अगेन 17,585 हम लोग आसानी से टारगेट एक्सपेक्टेड रह सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी लेवल है यहाँ, तो हम लोग आसानी से एक बढ़िया टारगेट एक्सपेक्टेड मान सकते हैं निफ्टी के अंदर। उससे पहले हम लोग अपना कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड पैन नहीं बनाएंगे। अब वो ये हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे बात कि फ्लैट ओपनिंग की, कहाँ पे हम लोग अपना मोमेंटम कैप्चर करने वाले हैं। फटाफट से बात कर लेते हैं गैप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग की। पहले हम लोग परसेंटेज वाइज चेक कर लेते हैं, अगर 0.25% का ओपनिंग होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर 0.4% के अराउंड ओपनिंग होती है तो हमारे क्या होगा चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट लेवल का भी जो मैंने आप लोग कहा था प्रीवियस स्विंग हाई, तो उसका भी अगर ब्रेकआउट हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अगर ओपनिंग होती है मेरे हिसाब से चांसेस रह सकती हैं कंसोलिडेशन में गेन से फंसने की। यहाँ पे सिर्फ रिस्की प्लेयर से ट्रेड बनाना चाहे तो यहाँ से एक रीटेस्ट ट्रेड पैन बना सकते हैं, सेफ प्लेयर्स हैं तो ये रीटेस्ट ट्रेड पैन यहाँ से ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ रिस्की प्लेयर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेफ प्लेयर्स हैं तो इंतजार करिए, या तो साइड वाइज लेवल को ब्रेक करें या तो दोबारा से हो सकता है इस रेंज के अंदर है तो हम लोग कुछ मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से ऐसे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है तो यहाँ पर अगेन निफ्टी जो है चौपीनेस में जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेफ प्लेयर्स अपने ट्रेड पैन को अवॉइड करेंगे। सेम बात रही गैप डाउन की, तो गैप डाउन भी अगर 0.4% 0.45 तक भी होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे ज़्यादा की उम्मीदें कमी है। अगर होता है तो हम लोग सेम जैसे हम लोग एज यूजुअल करते हैं कि रिटेस्ट रेट पर बनाएंगे और ये हमारा बन जाएगा आसानी से पहले टारगेट। कुछ कंसोलिडेशन देने का ध्यान में रखिएगा, एक दो घंटे रुकने का, फिर से इसका ब्रेक डाउन दिखाता है हम लोग अगेन शॉर्ट साइड के ले जाएंगे, 17,500 हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लेवल है क्योंकि जैसा आप लोग बताए 17,500 एक अच्छी खासी साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ से बाइंग प्रेशर भी हमें काफ़ी अच्छा देखने मिला है, यहीं तक का हमारा मैक्सिमम टारगेट रहने वाला है डाउन साइड। आई होप गाइस आप लोग क्लियर हो गया होगा, हम लोगों ने सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर ली। फ्लैट ओपनिंग पे हम लोग क्या कर सकते हैं और गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पे देखिए, जब तक इस चैनल पैटर्न के अंदर है कंटिन्यूसली निफ्टी जाए अगर इसको फॉलो करता रहता है तो यहाँ से ही अप्स एंड डाउन से टेस्ट करता हुआ डाउन ट्रेंड में ही जाता जाएगा और निफ्टी में हमें डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। पर ऐसा तो नहीं है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही जाता जाएगा और इस चैनल को ब्रेक ही ना करें, अपसाइड ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखिए आने वाले टाइम में भी अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर होगा और अगर प्रीवियस स्विंग हाई का भी इंतजार कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, उसके बाद तो पूरी जैसे हम कहते हैं 99% चांसेस हो जाएंगे कि हाँ हमें मोमेंटम मिल ही जाएगा।
अब बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। निफ्टी को हम लोगों ने कवर आउट कर लिया सारी चीज़ों में, और गाइस सर आ रहा हूँ एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलेगा। जिन जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर दीजिए। बैंक निफ्टी को आप लोग देखेंगे मॉर्निंग के सेशन से ही हमें कंसोलिडेशन देखने मिली थी। बैंक निफ्टी एस सच कहीं भी नहीं जा रहा था। यहाँ पर टाइम हो गया हमारा 11:15, मतलब 9:15 से मार्केट 11:15 हो गया, 2 घंटे हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं। तो मार्केट ने हमारा कोई भी मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिखाया। क्या हमें कुछ मोमेंटम मिला, पर हम लोगों को इतने एरिया में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं बनाना था। हम लोगों ने कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था, और जिन जिन लोगों ने नहीं देखी थी वाली वीडियो, वो आप लोग वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे डिटेल में बात करी थी कि जब तक इसके अंदर है हम लोग यहाँ पे चार्ट पे लिख भी लेंगे। हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि ये हमारे रहने वाले नो ट्रेडिंग हुआ, आप लोग चाहें तो चार्ट पे लिख भी सकते हैं। वैसे ही रहा, हम लोगों को शॉर्ट साइड के जाना था, शॉर्ट साइड पे आना था इस वाले लेवल के नीचे। हम लोग ने ट्रेड पेन यहाँ पे बनाया, एक अच्छा खासा एक शॉर्ट साइड का ट्रेड पेन बना। फिर आप लोग देखेंगे हमें डायरेक्टली मोमेंटम देखने के मिलना डाउन साइड पे। एक्सपेक्टेड मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा मोमेंटम 41,000 के अराउंड आ सकता है, पर वो 100 से लौट गया 100 पॉइंट पहले से। पर हाँ, हमें मोमेंटम जैसे मैं कहूँ जिसका हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, मैं पर्सनली इंतजार कर रहा था, वो हमें कैप्चर हो गया यहाँ पे, और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड भी दिला सकी। आई होप गाइस आप लोगों ने भी ट्रेड पे बनाया हो। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ फ्री में बताता हूँ, सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिलती है। मैंने जो पर्सनल ट्रेड करता हूँ वो आप लोगों को भी पता कि मैं लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड पे बनाऊंगा। तो आप भी यहाँ पे आसानी से बनाना चाहते हैं तो अपने रिस्क और कैपिटल को मैनेज करते बनाएंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ही हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, ऊपर निकलेगा तो हम जाएंगे बाई साइड। मैंने भी यहाँ पे ट्रेड पे बनाया, आप भी चाहें तो बना सकते थे। हम लोग डेली एनालिसिस में ये सारी चीज़ें कवर आउट करते हैं। आप फटाफट से बात कर लेते हैं कल के सेशन के लिए। कल के सेशन में हमें एक और ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, तो हमारी 3 टच के साथ में कंफर्म हो चुकी है। आज के सेशन में एक अच्छी खासी वहाँ से बाइंग भी आई है, तो मुझे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन आने वाले टाइम में अच्छे से वर्क करेगी। तो अब कल के सेशन में अगर प्रीवियस हाई या फिर 41,650 वाले लेवल को क्रॉस आउट करता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमें बड़ा मोमेंटम 42,000 तक बैंक निफ्टी जाता हमें नज़र आ सकता है, अगर ये प्रीवियस हाई या फिर 41,650 ये जो हमारा लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है 42,000 तक का हमें मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम है, तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग पूरा मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं तो आप लोग अपने एसएल को ट्रेल करते हुए कंटिन्यूसली चलें, क्योंकि कई बार ऐसे में चांसेस होती हैं कि इतना बड़ा मोमेंटम अगर मार्केट स्लो जाना होगा तो आने को तो तुरंत भी आ जाता है जैसे यहाँ पर आया था, पर अगर मार्केट में मोमेंटम या फिर मैं कहूँ स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी तो वो कहीं से भी रिवर्स दिखा सकते। तो ऐसे में कई बार चांसेस रहती हैं कि ट्रेलिंग एसएल हिट हो, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ ट्रेलिंग एसएल को मेंटेन करिएगा अगर आप लोगों को पूरा टारगेट चाहिए। अपने ट्रेल को अपने एसएल को ट्रेल करते चलिए और 42,000 तक मैक्सिमम आपको इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है 42,000। और याद रखिए सेफ प्लेयर्स हैं तो 100 से 150 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर करें, फुल प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 100 से 150 पॉइंट्स भी आप लोग मिल रहे हैं सेफ प्ले करते हैं तो बेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है आप लोगों को ट्रेड प्लान। तो ये सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला हमारा कल का ब्रेकआउट दिखाता है यहाँ से, तो हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए। एस सच फिर से उसी रेंज के अंदर है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फिर से अपने चार्ट आप लोग लिख लीजिए, ये रहने वाला हमारा नो ट्रेडिंग जोन। तो यहाँ पे अपना कोई भी ट्रेड पैन नहीं बनाएंगे जब तक इस रेंज के अंदर ब्रेकआउट देगा तो जाएंगे बाई साइड के लिए। नीचे ब्रेकडाउन दिखाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो हम फिर से आएंगे शॉर्ट साइड के लिए। पहला टारगेट तो हमारा यही बनेगा, और उसके बाद अगर इसने इसको भी ब्रेक करा तो चांसेस मेरे हिसाब से अच्छी खासी रह सकती है मोमेंटम की। 41,000 को भी अगर इसने ब्रेकआउट दिखाया, मैं इस लेवल को थोड़ा सा और नीचे ही लेता हूँ, 41,000 वाई लेवल का भी अगर इसने क्रॉस जोन दिखाया तो मेरे हिसाब से 40,800 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें अगेन से देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड। पहला तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करेंगे इस वाले ब्रेकडाउन पे रहेंगे शॉर्ट साइड के लिए, और ये बनेगा पहला टारगेट। और उसके बाद अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं, और अगर फिर से ब्रेकडाउन दिखाए तो हम लोग अगेन जाएंगे शॉर्ट साइड के। पर याद रखिए कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन आएगा तो आप लोग अवॉइड करें, जो लोग फिर ट्रेल करते हुए लेके आ रहे होंगे सिर्फ वही लोग बैठेंगे, जो लोग न्यू पोजिशन बनाना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यूस ब्रेकडाउन के साथ में ट्रेड ना करें, कुछ हॉल्ट हो फिर ब्रेकडाउन दिखाया तो बेस्ट है। और ये 40,800 सॉरी यहाँ वाली जो लेवल है ये बन जाएगा हम लोगों को आसानी से टारगेट। आई होप गाइस बैंक निफ्टी का व्यू भी आप लोग क्लियर हो गया होगा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ बता दी है। देखिए गैप और गैप डाउन ओपनिंग की बात रही तो अगर गैप ओपनिंग दिखाता है 0.4% 0.45% भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोग कल ही बताया था हम लोग रिटेस्ट शेड पे बनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी खासी ब्रेकआउट के लेवल है तो हमने यहाँ से सीधा रिटेस्ट शेड पे बनाएंगे। गैप डाउन ओपनिंग पे हमारा सेम होगा, चाहे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो चाहे अगर इस जगह पे भी होती तो भी हम लोग सेम ब्रेक डाउन ट्रेड पैन ही बनाने वाले, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर गैप ओपनिंग होती है तो हम लोग जरूर एक रिटेस्ट ट्रेड पे बनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी ब्रेकआउट वाली लेवल है
और अगर यहाँ से फिर रीटेस्ट आता है तो मैं 42,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ अगेन नजर आ सकता। आई होप गाइज आप लोगों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। इस समय आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने तो मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से आगे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मॉर्निंग में मैंने अपडेट दे दिया था लेवल्स का, आज थोड़ा सा मैं डिले हो गया था 9:22 के आसपास, मैंने फिर भी अपडेट दे दिया था आप लोगों को। बैंक निफ्टी की रेंज में ही था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या आप लोग देखेंगे मैंने आप लोगों सारे यहाँ पर अपडेट भी दे रखा है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैंने पहले 9:36 पर अपडेट दिया था, फिर 11 बजे भी आप लोगों को अपडेट दिया था, फिर हमें जो मोमेंटम कैप्चर हुआ था उसके मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला और हम लोगों ने जो इंतजार करा था सुबह से तो हमें फाइनली एक रिजल्ट देखने के लिए मिल गया, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठे हुए थे कि मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में, 2 घंटे बाद हमें मोमेंटम देखने के लिए मिला मार्केट में और उसने हमें एक अच्छा खासा टारगेट भी अचीव कर। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक इसका मिल जाएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को पोजिशनल स्टॉक्स रिलेटेड ज़्यादातर अपडेट देता हूँ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के सेशन के लिए पहले इंट्राडे स्टॉक्स की, तो हमें काफ़ी अच्छा वाला मोमेंटम दिखा सकता है कल के सेशन में। सब नाम है पॉलीकैप। पॉलीकैप को अगर हम लोग वॉचआउट करें 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक सिमेट सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर हम लोग अपसाइड से वॉचआउट करें तो यहाँ पे हमें 2992 के अराउंड एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला है, जिसको कंटिन्यूसली टेस्ट करने के बाद एक यहाँ से रिवर्सल दिखाता है जिसमें हमें विक काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आती है। अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पे विक थोड़ी छोटी होती हुई नज़र आई और पॉलीकैप जो है इसके पास में आके इसने क्लोजिंग दिखाना चालू कर दिया। तो अगर आप कल के सेशन में इस वाई लेवल का ब्रेकआउट दिखाता है जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है, जिसमें कौन ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आएगा जो है 2994 या फिर आप कहिए 95, जैसे इसका ब्रेकआउट आता है बाइंग साइड का ट्रेड पैन बन सकता है। 3011 आसानी से हम लोग का एक्सपेक्टेड टारगेट रह सकता है पहला टारगेट, और 3022 बनेगा हमारा दूसरा और लास्ट टारगेट। सेम व्यू रहेगा मेरा शॉर्ट साइड पे, और शॉर्ट साइड पे आप लोग देखेंगे थोड़े से मेरी रिस्की वाई लेवल आ रही है, इस चीज़ को आप लोग कंसीडर करते हो अपना ट्रेड पैन बनाना ज़्यादा अच्छा है। 2960 यहाँ तक अगर आप लोगों का टारगेट बन जाए यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं ब्रेक डाउन पे। अगर यहाँ तक आप लोग रिश्वेंट मैच ना हो तो यहाँ पे ब्रेक डाउन पे एंट्री ना ले ट्रेंड लेंगे ब्रेक डाउन, फिर आप लोग एंट्री लेंगे 2960 के ब्रेक डाउन पे, और फिर हम लोग बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेड मानने वाले हैं 2900 ठीक है अराउंड तक हम लोग का बड़ा टारगेट जिस हम लोग कर सकते हैं एक्सपेक्टेड रहेगा। परसेंटेज वाइज देख लें तो अपसाइड हमें 0.9% का एक बेहतरीन मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, और डाउन साइड हम लोग को 1.15% का एक काफ़ी बड़े मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सेकेंड इंटरडे स्टॉक रहने वाला है हमारा एल एन टी को भी अगर हम लोग वॉचआउट करें 15 मिनट के चार्ट पर, यहाँ पर भी हम लोगों को एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नज़र आ रहा है, तो अपसाइड से काफ़ी बार टेस्ट करता हुआ आ रहा है। अगर कल के सेशन में ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है अपसाइड तो हम लोग बाई साइड के लिए जाने वाले हैं 2178 के ऊपर, तीसरा टारगेट हमारा 2210 तक का बन सकता है। तो पर आप लोग 2200 पर अपना पहला टारगेट माने क्योंकि एक अच्छी खासी राउंड लेवल है, तो 2200 पहला टारगेट, 2210 बन जाएगा हमारा दूसरा और लास्ट टारगेट। परसेंटेज वाइज भी चेकआउट कर लेते हैं, पहले टारगेट पे हमें 1% मूव मिल जाएगा तो सेफ प्लेयर्स के रिस्की प्लेयर्स तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे 1% का मोमेंटम मिल रहा है स्टॉक के अंदर तो बहुत बड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पहले टारगेट पे 1% मिल रहा है, दूसरे पे हमें 1.5 मिल जाए, एक बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर करा जा सकता है यहाँ। सेम व्यू रहने वाले शॉर्ट साइड पे अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिखाता है हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, और दिक्कत वाली बात बस यही है यहाँ पे हमारे थोड़े से हर्डल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग अगर रिस्की प्लेयर्स हैं तो ज़रूर ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे, वरना आप लोग शॉर्ट साइड के लिए जाएँ 2145 के नीचे, पहला टारगेट 2133 बन जाएगा और दूसरा टारगेट 2122 हमारा एक्सपेक्टेड रहने वाला है शॉर्ट साइड। भाई अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे हम लोग अपने स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इंट्राडे की बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने आप लोग बता रखी है, वाली वीडियो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डेली स्टॉक जो आप लोगों को मिलते हैं जी आप लोगों की स्ट्रेटजी के बराबर ही है, जिसका मैं आज के सेशन में भी जो स्टॉक दिया था उसका भी अपडेट आप लोगों को अभी दूंगा। जिन स्टॉक में हमें बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम देखने के लिए मिलता है वाली स्टॉक एनालिसिस या फिर मैं कहूँ स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को उसका आई बटन पे देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को चार्टिंग का स्कैनर भी प्रोवाइडेड है, वहाँ से आगे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चार्टिंग स्कैनर का लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन मैंने कर दिया या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, उस स्कैनर से ही मैं सारे स्टॉक पिक करता हूँ, मैं पर्सनली उन स्टॉक में ट्रेड भी बनाता हूँ, तो ये सारे स्टॉक्स मैंने वहीं से पिक करे हैं, तो वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है आइशर मोटर। आइशर मोटर को भी अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है,
हम लोग करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो अगर इसका ब्रेकआउट दिखाता है कल के सेशन में और अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो है 3298 इसका ब्रेकआउट दिखाता है तो हमें सीधा 3320 तक एक्सपेक्टेड पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 3351 तक का दूसरा टारगेट सेम रहेगा हमारा शॉर्ट साइड में। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, पर नीचे की साइड हर्डल्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो हमारे शॉर्ट साइड पर थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना रिस्की प्लेयर से ट्रेड बनाए तो ज़्यादा अच्छा। पहला टारगेट हमारा थोड़ा छोटा रहेगा जो 3241, दूसरा टारगेट हम लोग एक्सपेक्टेड मानने वाले हैं 3226 तक। और मेरे हिसाब से थोड़े से छोटे टारगेट हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ रिस्की प्लेयर सी ट्रेड पर मैंने, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 1% का मूव फिर भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। और तीसरा टारगेट भी एक्सपेक्टेड रह सकता है अगर रिस्टोरेंट मैच ना हो, वैसे मेरे हिसाब से हो जाएगा क्योंकि 1% का मूव मिला है। 3500 बन सकता है हमारा फाइनल और लास्ट टारगेट, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बड़ा टारगेट है। और हाँ, अगर दोनों टारगेट इन दो तक टारगेट अचीव हो जाए तो फुल प्रॉफिट बुकिंग आप लोग यहीं पर कर लेंगे। हमारा फोर्थ इंटरेस्ट स्टॉक होने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको भी अगर आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, रिवर्सल दिखाता है और जब जब रिवर्सल आया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने के। एस सच इस बार इसने रिवर्सल दिखाने के बाद कंसोलिडेशन दिखा रहा है, साथ साथ में हमें एक अपसाइड से भी ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है जिसे हम लोग कहते हैं करेक्टिव ट्रेंड लाइन। तो अगर कल के सेशन में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाता है तो हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए और एक बढ़िया मंडा हम लोग कैप्चर करने वाले हैं अपसाइड जैसे ब्रेकआउट आता है। और फिर हम लोग टारगेट्स की बात कर लेते हैं, 1372 के ऊपर आप लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, पहला टारगेट 1378 बनेगा और दूसरा टारगेट 1384 बनेगा हमारा दूसरा और लास्ट टारगेट। सेम बात करूँ मैं शॉर्ट साइड की तो इस वाई लेवल के नीचे हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए 360 के नीचे, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन देखने के लिए मिली है। 1360 के नीचे आएंगे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए, सीधा टारगेट 1347 हमारा एक्सपेक्टेड रहने वाला है। चेक कर लेते हैं सारे टारगेट को फटाफट से परसेंटेज वाइज, हमें अपसाइड भी अराउंड 0.9% का मूव मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया है और डाउनसाइड भी हमें 1% का मूव मिल जाएगा। दोनों टारगेट हमारे काफ़ी अच्छे हैं, मैक्सिमम टारगेट आप लोग अपसाइड का, या तो कि ट्रेल अगर आप लोग करना जानते हैं तो 1390 तक इसको ट्रेल कर सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा मेरे हिसाब से अवॉइड करने से ज़्यादा अच्छा। आई होप गाइस आप लोगों को ये चार इंटरेस्ट स्टॉक्स का एनालिसिस में आ चुका होगा। मैं आप लोगों को एक और स्टॉक बता देता हूँ जिसे हम लोग कहते हैं फिफ्थ और लास्ट इंटरेस्ट स्टॉक, सर मैं स्ट्रक्चर वाइज आप लोग देखो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मैं बताता हूँ क्यों। अपसाइड पे तो अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसका नाम आप लोग वॉचआउट करेंगे लॉरस लैब है। ब्रेकआउट दिखाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है 335 तक। तो शॉर्ट साइड पे अगर ये ब्रेकडाउन दिखाता है तो हमें एक हर्डल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इंपॉर्टेंट जो है 324 तक। यहाँ पे अगर आप लोग फुल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 324 तक, रिस्टोर्ड मैच हो जाएगा आप लोगों तो आप लोग ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि आप लोग देखेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारा हर्डल हमें नज़र आए, यहाँ से शार्प बाइंग आएगी। तो अगर ये टारगेट आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग ज़रूर ट्रेड पर बना सकते हैं 325 तक आप लोगों का टारगेट बनेगा। अगर यहाँ तक ठीक लगता है आप लोगों का टारगेट तो ज़रूर बना सकते हैं, वरना सिर्फ अपसाइड पर ट्रेड करें और ये बन जाएगा आप लोगों का टारगेट। चेकआउट कर लेते हैं परसेंटेज वाइज, 1% से ज़्यादा का भी हम बड़ा हमें मोमेंटम मिल सकता है यहाँ पर अपसाइड पर, तो एक बढ़िया टारगेट है अपसाइड तो हम लोग ज़रूर ट्रेड पर बना सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को चार इंटरेस्ट स्टॉक्स का एनालिसिस समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं कराया तो, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोगों ने सारे इंटरेस्ट स्टॉक्स का एनालिसिस देख लिया, बात कर लेते हैं आज के स्टॉक ने कैसा मोमेंटम दिखाया वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक था उसमें UPL, चलते हैं 5 मिनट की चार्ट पे। इसमें हमें नज़र आ रहा था एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ब्रेक डाउन पे एज यूजुअल हमें आना था शॉर्ट साइड के लिए और एक हमें क्या मोमेंटम देखने मिला आप यहाँ पे वॉचआउट कर सकते हैं क्या ब्रेक डाउन कैंडल। और हम लोगों ने जो मोमेंटम कैप्चर करा वो हमें 1:2.3 तक का टारगेट नजर आया, क्योंकि मैंने आपको उसका यह था टारगेट लेवल 1:2.3 का हमें रिस्टोर आसानी से कैप्चर होता हुआ नजर आया है। सेकेंड स्टॉक था हमारे जस्टडायल, तो गैप ओपनिंग दिखाई थी और सीधा अपसाइड में चला गया, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड में ही रखूंगा क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ पे एंट्री कर पाते हैं, तुरंत टच होते ही अपसाइड निकला था, क्लोजिंग बेसिस वालों की तो एंट्री यहाँ पे हो ही नहीं पाई। थर्ड स्टॉक था हमारा CDSL, इसमें भी हमें कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम तो देखने ही नहीं मिला जो हमें एक्सपेक्टेड लग रहा था, पर हाँ एक हमें डिसेंट मूव कर सकते हैं देखने के लिए मिला था। क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट साइड की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, तो ये हमारा बनेगा टारगेट। अगर इसको ब्रेक करता है जिसकी चांसेस कम है तो ये हमें मोमेंटम देखने मिलेगा, तो एज सच उसको तो ब्रेक नहीं करा और जहाँ तक कि मैंने बात करी थी वहाँ तक हम लोगों को मोमेंटम देखने के लिए आसानी से मिल गया। सपोर्ट का मैच करते हुए देख लेते कितना हमें मिला रिस्टोर्ड, 1:1.8 का रिस्टोर्ड मिल गया, कोई बात नहीं बहुत अच्छा रिस्टोर्ड है 1:1.8 मिल गया, उसमें 2.3 के आसपास मिला था इसमें 1.8 मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोगों ने फिर भी प्रॉफिट को अचीव कराया। फाइनल इंटरेस्ट स्टॉक्स था हमारा SBL है,
हम लोगों ने वॉच आउट करा था, और अगर आप लोग इसको भी वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन आने के बाद स्टॉक ने हमें काफ़ी ज़्यादा शानदार मोमेंटम दिखाया। ट्रेंड लाइन आप लोग देखेंगे, सॉलिड ट्रेंड लाइन का दिया था इसने ब्रेक, और फिर हम लोगों को जो एक शानदार मोमेंटम देखने के लिए मिला डाउन साइड, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 1:1.6 का हमें मोमेंटम नज़र आया। टारगेट हमारा वैसे तो यहाँ तक का था मैक्सिमम, पर वो हमें अचीव होता नज़र नहीं आया, पर 1:1.6 का हमें टारगेट अचीव इसमें पहले, अरे सॉरी गाइस, इसमें पहले भी हमारे ट्रेड में बना था। यहाँ पे आप लोग वॉच आउट करेंगे, यहाँ पे भी हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था, डेथ कैंडल्स का लो भी निकला था। वैसे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी हमारी, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो यहीं पे बनी थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, पर जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी उन लोगों का यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सबका जो है टारगेट हिट हुआ है, पूरा टारगेट तो नहीं मिला, पर हाँ हम लोगों को एक डिसेंट इनफ टारगेट हमें देखने के लिए मिला। तो हम लोगों ने जो 4 इंटर स्टॉक्स दिए थे उसमें से हम लोगों को 3 में एंट्री मिली है, और 3 में हम लोगों का टारगेट भी अचीव हुआ है। नाम्स के साथ में मैं आप लोग बता देता हूँ, पहला स्टॉक था हमारा UPL जिसमें हमें आसानी से टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। जस्ट डायल में हमारी एंट्री नहीं बनी, CDSL में हमारा टारगेट अचीव हुआ, SBLF में एक एसएल हिट हुआ, फिर हमारा टारगेट अचीव हुआ। और एसएल हिट भी जिन लोगों ने छोटी कैंडल पे एंट्री कर ली उन लोगों का हिट हुआ है, जिन लोगों जो लोग इंतजार करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल का उनका यहाँ पे कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ। आई होप गाइज आप लोगों को ये सारे स्टॉक का भी व्यू एकदम क्लियर हो गया होगा। ऐसा मोमेंटम गाइज अगर आप लोग कैप्चर करना चाहते हैं वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भूलिएगा, उसका लिंक आप लोग आई बटन में ऑलरेडी आ चुका होगा, वहाँ से आगे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कैसे मैंने ये सारे स्टॉक्स पिक करे थे। फ्री में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई, कोई भी कॉस्ट वाली चीज़ नहीं है, और फ्री में आप लोगों को स्कैनर भी प्रोवाइडेड है। फटाफट से उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए जिन जिन लोगों ने नहीं करा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वाला कंटेंट आप लोगों को आने वाले टाइम में भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर आउट कर ली है, आई होप आप लोग समझ में भी आ गई होंगी। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक्स मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।